नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ साउथ इंडियन की डिश मिक्स वेज उत्तपम। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनता है। इसको आप सांबर या कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सांबर और कोकोनट चटनी की रेसिपी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। आइए चलिए हम मिक्स वेज उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। बैटर बनाने के लिए यहाँ पे हमने इडली वाले राइस लिए, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर में या कोई भी सुपरमार्केट में ये मिल जाएंगे इजीली। और यहाँ पे हमने उड़द की दाल ली है और साथ ही हमने मेथी दाना लिया है। क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है, अगर आप एक कप उड़द की दाल यूज़ कर रहे हैं तो तीन कप आपने चावल यूज़ करने हैं और हाफ टी स्पून मेथी दाना यूज़ करना है। अब हम इनको 4 घंटे के लिए भिगो लेंगे। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये चावल और दाल अलग अलग आपने भिगोनी है और दाल के साथ ही आपने मेथी दाने को भिगोना है। अब हम ये भिगो देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 4 घंटे हो गए हैं, हमने ये चावल को भिगो के रखा हुआ था पहले से ही और साथ ही हमने दाल और मेथी दाने को भी भिगो के रखा हुआ है, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं मेथी दाना भी। इनको हमने अलग अलग ही भिगोना है, एक साथ नहीं भिगोना और इसको एक ही बार खंगालना है, फिर उसके बाद इनको भिगो के रख देना है, ज़्यादा नहीं इसको खंगालना और इनको अलग अलग ही पीसना है, वो हम पीस लेते हैं। ये दाल को हमने पीस लिया पहले, इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर करते हैं, इसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये दाल हमने एक बर्तन में ट्रांसफर कर ली है, अब हम चावल को भी पीसते हैं। अलग अलग हम इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि दाल हमें बिल्कुल ही फाइन चाहिए थी, चावल इतने फाइन नहीं करने हमने। कम से कम पानी का यूज करना है इसको पीसते वक्त। अब हम इसे भी पीस लेते हैं। ये चावल भी हमने सारे पीस लिए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरे हमने फाइनली इसको पीसा। अब ये चावल भी जिसमें हमने दाल डाली थी उसी में डाल देंगे, ये हम डाल देते हैं। ये डालने के बाद हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। ज्यादातर लोग तो मार्केट से ये बैटर ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता वो कैसा पानी यूज कर रहे हैं। आप इसको घर में बना सकते हैं और एकदम ये बढ़िया बैटर बनता है जैसे मार्केट में मिलता है, और एकदम सफाई से ये बनता है घर में। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। इस तरह से आप बैटर बनाएंगे, मार्केट का आप बैटर भूल जाएंगे। जैसे मार्केट में इडली मिलती है, डोसे मिलते हैं, वैसे ही आप घर में भी बना सकते हैं इजीली। पूरे अच्छे से इसको मिक्स करना है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है बैटर। अब हम इसको 6 से 7 घंटे गर्म जगह पे रखेंगे जिससे कि ये राइज होना शुरू हो जाएगा और साइज में देखेंगे कि अब ये डबल हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रखते हैं। ये 6 से 7 घंटे हो गए हैं बैटर को हमने गर्म जगह पे रखा हुआ था, अब हम इसे चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं बैटर कितना राइज हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया ये साइज में, ये आप देखिए, ये आप देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है ये बैटर। ये बैटर बनके एकदम तैयार हो गया। अब हम मिक्स वेज उत्तपम बनाते हैं, वो हम बनाना शुरू करते हैं।
मिक्स वेज उत्पम बनाने के लिए यहाँ पे हमने गाजर ली है, कैप्सिकम ली है, अनियन, टमाटो और कैबेज, इनको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही हमने ये बैटर लिया है, जो हमने बैटर बनाया था वो लिया हमने। ये बैटर देख सकते हैं काफी गाढ़ा है, इससे उत्पम नहीं बन सकते, इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे और इसको पतला करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है, एकदम पतला भी नहीं हमें बैटर चाहिए और ना ही एकदम गाढ़ा। इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और साथ ही इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक आपने स्वाद के अनुसार ही डालना है। मिक्स कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं बैटर ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, ये आप देखिए। ये बैटर बनके एकदम तैयार हो गया है। अब हम उत्पम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने नॉनस्टिक तवा लिया है, इसको गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। सबसे पहले हम इस गर्म तवे पे ऑयल थोड़ा स्प्रेड करेंगे, वो हम लगा देते हैं। ये ऑयल स्प्रेड करने के बाद जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसमें डालेंगे, बिल्कुल सेंटर में आपने डालना है। हल्का सा ऐसे फैला लेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और साथ ही इसमें वेजिटेबल्स जो हमने कट करी थी वो डाल देंगे। ये वेजिटेबल्स डालने के बाद यहाँ पे हमने सांबर मसाला और गरम मसाला और थोड़ा सा नमक ये मिक्स करके एक पाउडर बनाया, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये उत्पम में। और फ्लेम इस टाइम हमने स्लो रखी हुई है और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे। ऑयल स्प्रिंकल करने के बाद तवे को हम ऊपर से कवर कर देंगे। और 2 मिनट हम ऐसे ही कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं इसको कवर करके कुक करते हुए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो कवर करने से सब्जियां भी कुक हो गई है। अब हम इसे चेक करते हैं और इसको आराम से हम पलटेंगे। और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे इसको। और फ्लेम इस टाइम पे हम मीडियम कर देंगे। ये आप बनाएंगे, ये सबको बहुत ही अच्छा लगेगा ये उत्पम, और बहुत टेस्टी ये उत्पम बनता है। इसको आप सांबर के साथ, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना भी ये बहुत ही इजी है और बहुत ही कम ऑयल में ये बनता है। ब्रेकफास्ट में आप इसको बना के खा सकते हैं।
अब हम इसको पलटते हैं। ये आप देखिए कितना अच्छा ये उत्पम बना है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे उत्पम मंगाते होंगे वैसा ही ये आपको लग रहा होगा। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये उत्पम बनके एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी के भी उत्पम बनाते हैं। ये आप देखिए उत्पम बनके एकदम तैयार हो गया है। ये उत्पम हमने बना लिए हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये आप देखिए कितने अच्छे ये उत्पम बने हैं। ये बहुत टेस्टी उत्पम बने हैं। इसको आप जरूर बनाइए और सबको खिलाइए। ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको भी कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।